नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान माइग्रेंट लेबर रिटर्न के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है राजस्थान सरकार द्वारा, और राजस्थान के प्रवासी श्रमिकों के घर वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि सरकार जो है उनके वापस आने के लिए उचित व्यवस्था कर सके। नागरिकों को जो है अपने प्रदेश वापस लौटने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसकी प्रक्रिया, किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना है, उसकी प्रक्रिया आपके साथ जो है इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी। दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण देश भर में लॉकडाउन जारी है, और ऐसे में देश के विभिन्न राज्यों के दिहाड़ी मजदूर अपने राज्य से दूसरे राज्य में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, और इसके लिए लॉकडाउन की वजह से उनका काम धंधा भी बंद है, जिसकी वजह से पेट भरने के लिए सेवादान या राज्य सरकार द्वारा बांटे जा रहे भोजन पर भी आश्रित है दिहाड़ी मजदूर। तो इन मजदूरों को अपने प्रदेश में लौटने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा व्यवस्था की जा रही है, और इस संबंध में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है कि किन नियमों का पालन करना होगा घर वापसी के लिए माइग्रेंट लेबर्स को। तो दूसरे प्रदेश में जो फंसे हैं राजस्थान के श्रमिक, उनको ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा राजस्थान ई मित्र वेबसाइट पर। और इसके अतिरिक्त प्रवासी श्रमिकों की सुविधा के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मोबाइल ऐप भी जारी किया गया है, और इस मोबाइल ऐप को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करके अपने मोबाइल ऐप के भी मोबाइल के जरिए भी जो है स्मार्टफोन के जरिए भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त जो है अपने जिस भी प्रदेश में है उस वहाँ के स्थानीय ई मित्र सेंटर पर जाकर भी राजस्थान माइग्रेंट लेबर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। और यदि रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई उन्हें मुश्किल आ रही है, तो इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तो दोस्तों, राजस्थान माइग्रेंट लेबर वापसी के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसके अंतर्गत जो दूसरे प्रदेशों से राजस्थान के निवासी जो निजी वाहनों में कर्फ्यू पास की सहायता से आ रहे हैं, कर्फ्यू पास प्राप्त करके, तो उनके लिए जो है राजस्थान पहुंचने पर क्वारंटाइन किया जाना की व्यवस्था की गई है। तो क्वारंटाइन में जो है उन्हें लेना आवश्यक होगा। और इसके अतिरिक्त राजस्थान में फंसे प्रवासी श्रमिक जो है दूसरे राज्यों के जो श्रमिक हैं, उन्हें अपने प्रदेश में जाने के लिए जिला कलेक्टर द्वारा राजस्थान के जिस भी जिले में फंसे हैं उसके जिला कलेक्टर द्वारा चरणबद्ध तरीके से कर्फ्यू पास जारी किया जाएगा। तो कर्फ्यू पास लेकर जो है वो नियमों का पालन करते हुए चरणबद्ध तरीके से राजस्थान सरकार भी उन्हें उनके प्रदेश में वापस लौटने की व्यवस्था करेगी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों से जो राजस्थान में आने वाले श्रमिक हैं, प्रवासी राजस्थान के मूल निवासी, तो उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई है हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6127। तो इस नंबर पर यदि उन्हें रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या है, तो जो है इस नंबर पर जो है टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकेंगे। और इसके अतिरिक्त जो है राज्य कोविड इन्फो मोबाइल ऐप जारी किया गया है, तो इस मोबाइल ऐप को जो है अपने मोबाइल गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल स्मार्टफोन में डाउनलोड करके और रजिस्टर कर सकते हैं राजस्थान के श्रमिक जो प्रवासी हैं और दूसरे राज्य में फंसे हैं। और इसके अतिरिक्त जो है अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन से ई मित्र राजस्थान government.in वेब पोर्टल पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उस पर रजिस्ट्रेशन की लिंक दी हुई है, राजस्थान माइग्रेंट लेबर रिटर्न लिंक दी हुई है, तो वहाँ पर भी जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
राजस्थान के प्रवासी श्रमिक जो अन्य प्रदेशों में फंसे हैं उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा अन्य राज्यों की सरकार की सहमति से चरणबद्ध तरीके से प्रदेश वापस लाने की व्यवस्था की जाएगी। तो इसके लिए उन्हें रजिस्टर करना खुद को आवश्यक है और प्रवासी श्रमिकों के लिए सीमावर्ती जिलों के बॉर्डर चेक पोस्ट के पास जब वो पहुँचेंगे तो वहाँ पर कैंप लगा होगा और उस कैंप में जो है ट्रांजिट कैंप लगी होगी और उसमें स्वास्थ्य कर्मी राजस्थान के और पटवारी और उस ग्राम से उस जिले से संबंधित पुलिस कर्मी परिवहन संचालक कर्मी ग्राम सेवक आदि मौजूद रहेंगे और प्रवासियों को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचाने की प्रक्रिया में जो है सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जब दूसरे राज्यों से राजस्थान के प्रवासी श्रमिक अपने सीमा जिला के सीमा पर पहुंचेंगे तो वहाँ चेक पोस्ट पे जो है उन्हें IT विभाग द्वारा डेवलप की गई मोबाइल ऐप जो COVID-19 उससे संबंधित इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में सहायक होती है उस मोबाइल ऐप को उनके स्मार्टफोन में डाउनलोड किया जाएगा डाउनलोड करवाया जाएगा और इसके बाद जो है जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित क्वारंटाइन स्थल पर उन्हें नागरिकों को पहुँचाया जाएगा और जहाँ सभी को जो है सभी नागरिकों को जो दूसरे प्रदेश से आए हैं उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। तो इस प्रकार से दिशा निर्देश का पालन करना होगा प्रवासी श्रमिकों को। और यदि दोस्तों आप ऑनलाइन मित्रा और rajasthan.government.in पे किस प्रकार से रजिस्टर करेंगे इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको जो है गूगल वेब ब्राउजर खोलना होगा और अपने मोबाइल फोन में या लैपटॉप में और उस पर जो है rajasthan.government.in क्लिक कर आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये विकल्प आ जाएगा ई मित्रा। तो rajasthan.government.in इस विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा तो ये राजस्थान की मित्र वेबसाइट खुल जाएगी और इसमें ये दिया हुआ है ऑप्शन रजिस्ट्रेशन फॉर माइग्रेंट तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा और इस लिंक पर क्लिक करने के बाद जो है ये फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको भरना होगा तो इसमें अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन पहले लिखनी होगी नाम लिखना होगा आपको और जेंडर सिलेक्ट करना होगा और एज लिखनी होगी मोबाइल नंबर और जो है ट्रांसपोर्ट अवेलेबल जो है आपकी अपनी निजी ट्रांसपोर्ट से आप आ रहे हैं या तो यस पे और नहीं आ रहे हैं तो नो पर क्लिक करना होगा। ओन ट्रांसपोर्ट अवेलेबल के पास है यदि तो आप यस पे क्लिक करेंगे वरना नहीं। और यहाँ पर फिर जो है आपको एड्रेस लिखना होगा कि आप राजस्थान के किस जिले के निवासी हैं उसका आपको यहाँ पर जो है स्टेट सेलेक्ट करना होगा और राजस्थान में आप वापस आ रहे हैं तो राजस्थान यहाँ पर है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा किस जिले में आपको राजस्थान के आपका के निवासी हैं आप वहाँ जाना चाहते हैं उस जिले को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और पंचायत सिलेक्ट करेंगे किस पंचायत के अंतर्गत आपका निवास स्थान आता है और डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे किस ब्लॉक में आता है और इसके बाद कौन सी तहसील लगती है और फिर एड्रेस जो है यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना होगा भी और इंग्लिश में भी वही एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। और इसके बाद जो है नहीं सॉरी दोस्तों आपको केवल जो है इंग्लिश में एड्रेस यहाँ लिखना होगा हिंदी में नहीं लिखूंगी यहाँ पर इंग्लिश में एड्रेस लिखना होगा और यहाँ पर जो है आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद जो है आपको डेस्टिनेशन एड्रेस लिखना होगा कि आप जो है किस अपने निवास स्थान का आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना होगा फिर से यहाँ पर निवास स्थान का एड्रेस लिखना होगा और डेस्टिनेशन का स्टेट यहाँ पर आप राजस्थान के किस जिले में आपका निवास स्थान है कहाँ जाना चाहते हैं वहाँ का एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पर आप सोर्स एड्रेस लिखेंगे कि यदि आप राजस्थान में ही किसी दूसरे स्टेट में दूसरे जिले में फंसे हुए हैं या फिर आप किस स्टेट से राजस्थान में वापस आ रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा।
और फिर सबमिट पर क्लिक करना होगा। और सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो है आपके दूसरे पेज में आवेदन स्वीकार करने के का रिसिप्ट आएगा, उसमें आवेदन संख्या लिखा होगा। उस आवेदन संख्या को आपको जो है नोट करके रख लेना होगा और उस आवेदन संख्या की सहायता से आप जो है अपने आवेदन की स्थिति जांच कर सकेंगे। तो चेक स्टेटस फॉर माइग्रेंट रजिस्ट्रेशन, इस विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। तो इस विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर से चेक करेंगे तो या इस रेडियो बटन पर करेंगे टिक, और यदि आप जो रिसिप्ट नंबर से चेक करना चाहते हैं तो रिसिप्ट नंबर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना रिसिप्ट नंबर जो मिला होगा, आवेदन पत्र संख्या नंबर, वो नंबर यहाँ लिखना होगा और इस प्रकार से सबमिट पर क्लिक करना होगा। और इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकेंगे। और यदि आपको जो है मोबाइल ऐप डाउनलोड करके स्मार्टफोन से उससे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको गूगल वेब ब्राउजर खोलना, खोल कर यहाँ से बता रहे हैं। वहाँ से आप अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और राज कोविड इन्फो ऐप डाउनलोड लिखेंगे तो आपको जो है ये लिंक खुल कर आ जाएगा, राज कोविड फॉर एंड्रॉयड। तो आप इस विकल्प पर क्लिक करके आपको इस प्रकार से पेज खुल कर आ जाएगा आपके मोबाइल फ़ोन में और आप यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे इसको। डाउनलोड करके तो उसे डाउनलोड करके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है उसमें ऐप में ओपन करने के बाद रजिस्टर का मिलेगा, राजस्थान माइग्रेंट लेबर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर करने का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करके फॉर्म भर के सबमिट करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, जिस प्रकार से ई मित्र वेब पोर्टल पर जो है लिंक इस करके आपने फॉर्म में जो जानकारी भरी है वही जानकारी आपको मोबाइल ऐप में भी खोलने पर उसी प्रकार का फॉर्म मिलेगा, उसको भर के सबमिट करके आपके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि आपके पास ये सुविधा नहीं है, मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के स्मार्टफोन नहीं है या लैपटॉप नहीं है तो आपको राजस्थान में आप जिस भी प्रदेश में फंसे हुए हैं उस प्रदेश के स्थानीय ई मित्र सेंटर पर जाकर राजस्थान माइग्रेंट लेबर में रजिस्टर कर सकेंगे। और यदि रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई आपको मुश्किल आती है तो आप राजस्थान सरकार द्वारा जारी ये हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6127 इस पर कॉल करके जो है अपनी समस्या का समाधान पा सकेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे YouTube चैनल सीखे.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो है राजस्थान के प्रवासी श्रमिक जिस भी प्रदेश में जिस भी राज्य में फंसे हुए हैं वहाँ से जो है अपने रजिस्ट्रेशन करके घर वापस लौटने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।